उज़बलैतरिम रहीम कुरान पढ़ें समझें और नशर करें अलनाम अल आयत नंबर पचहत्तर से उन्नासी आयत नंबर पचहत्तर रहीम और इस तरह हम इब्राहिम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का मुशाह करा रहे थे ताकि वो यकीन रखने वालों में से हो आयत नंबर छिहत्तर चुनाचे जब रात की तारकी उन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारे को देखा तो कहा कि ये मेरा रब है फिर जब वो डूब गया तो कहा कि मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता आयत नंबर 77 फिर जब उन्होंने चाँद को चमकते हुए देखा तो कहा कि ये मेरा रब है फिर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरा परदिगार मुझे सीधे रास्ते पर न रखता तो मैं गुमराहों में हो जाता आयत नंबर अठहत्तर जब आफ्ताब को खूब दमकता हुआ देखा तो कहा कि ये मेरा रब है ये तो सबसे बड़ा है फिर जब वो भी डूब गया तो कहा क्या मेरी कौम के लोगों जिन चीज़ों को तुम खुदा का शरीक करार देते हो मैं उनसे बेजार हूँ आयत नंबर उनासी मैंने अपना रुख पूरी यकसुई से उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों व ज़मीनों को पैदा किया और मैं मशरकों में से नहीं हूँ